यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और यदि आप ये वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube पर जाइए और नितिन शुक्ला टाइप कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो कोई अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का सबसे बड़ा खुलासा जिसके लिए आप सब ट्यून करके बैठे, सुबह 10 बजे से मेरे साथ में बैठे हुए। जी हां, सीबीआई डायरेक्टर का वो खुलासा जो अभी तक आपके सामने नहीं है। सीबीआई डायरेक्टर का अभी तक क्या हुआ, जरा मैं जल्दी से आपके सामने बता देता हूं। एक केस होता है, सीबीआई डायरेक्टर को रात में हटा दिया जाता है और सीबीआई डायरेक्टर के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं मुझे गलत तरीके से हटाया गया। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया था, जो मेरिट थी, यानी जो लाइंस थी, जो पहले लिखा जाता मुझे रिलीफ क्या चाहिए, वो रिलीफ ये था कि मुझे गलत तरीके से हटाया गया, प्रोसीजरल फॉल्ट है, क्योंकि मुझे 3 लोगों ने नियुक्त किया और मुझे एक व्यक्ति ने हटा दिया, ये गलत है। जबकि उन्हें हटाया नहीं गया था, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छुट्टी पर भेजा भी हटाए जैसा ही है, इसलिए इनको रीइंस्टेट किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पाक साफ वहां भी नहीं माना। वहां बाकायदा ये कहा गया था कि पॉलिसी मैटर में आलोक वर्मा एक्स सीबीआई डायरेक्टर कहीं भी पॉलिसी मैटर में दखल नहीं देंगे, नई कार्रवाई नहीं करेंगे और किसी भी नए एग्जिस्टिंग इंक्वायरी में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूप से रूलिंग है, यानी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को बहुत स्पष्ट रूप से यह माना गया था कि प्राइमा फेसी ये दोषी हैं, लेकिन प्रोसीजर जो उनको हटाने का है वो सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि हम भी साथ में थे, कमेटी में हम भी हैं, हमसे बिना पूछे कैसे हटा दिया, हमसे बिना पूछे छुट्टी पर कैसे भेज दिया। यानी ये थोड़ी बहुत ईगो की लड़ाई थी, थोड़ी बहुत टसल की लड़ाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बोले नहीं और एक हफ्ते के अंदर इनकी कार्रवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, एक हफ्ते के अंदर इनकी कार्रवाई करके इंक्वायरी करके इसको इंक्वायरी को केस को क्लोज करना है विद इन 1 वीक, क्योंकि वो रिटायर होने वाले थे। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, ये बहुत क्लियर है, और उन्हें बाकी इंक्वायरी से भी, इंक्वायरी लेने से भी मना कर दिया गया कि आप आगे की कोई इंक्वायरी नहीं लेंगे, ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया। इसके साथ में और भी बहुत कुछ कहा गया, बहुत थोड़ा लंबा केस है, थोड़ा सा मैं इसको अपने साथ में आपको लेता चला जाऊंगा। आप इसके बाद सीवीसी में देखिए, आलोक वर्मा जी की लड़ाई होती है अस्थाना से, और अस्थाना के खिलाफ में आलोक वर्मा जी सीवीसी को लिखते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि सीवीसी उल्टा आलोक वर्मा जी के खिलाफ में कार्रवाई शुरू कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि इनके पास में इतने सारे सबूत मिलते हैं कि आलोक वर्मा जी ने बाकायदा करप्शन किया, ये सुप्रीम कोर्ट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट ने माना। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये किसी भी नए इंक्वायरी में या किसी भी इंक्वायरी में अध्यक्षता ये नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिसी मैटर ये नहीं नया बना सकते, उसमें दखल नहीं दे सकते, ये स्पष्ट रूप से कहा गया, यानी प्राइमा फेसी को दोषी माना गया। जल्दी जल्दी चलूंगा, जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा खुलासा होना है इसमें। जो कुछ मैं आपको अभी बता रहा हूं ये सबको पता है, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इसके बाद बहुत कुछ ऐसा है जो कभी आपने ना सुना, ना कोई चैनल आपको दिखाएगा, ना कोई न्यूज़पेपर आपको छाप कर देगा, ये शायद कभी भी सामने नहीं आएगा। जो रहस्य उद्घाटन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सीबीआई देशद्रोह का काम करने लगी थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चार्जेस लगते हैं इनके ऊपर, आईआरसीटीसी में इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को बचाने का प्रयास किया आईआरसीटीसी स्कैम में, इसके बाद मोइन कुरैशी स्कैम में इन्होंने मोइन कुरैशी को बचाने का काम किया, 2 करोड़ रुपए की कैश रिश्वत ली, ये भी आरोप लगता है इनके ऊपर। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने कई सारी प्रोब्स को हैम्पर, रोकने का, उसमें अड़ंगा डालने का काम किया। इस सारे अड़ंगे के बाद, सारे अड़ंगे जो उन्होंने लगाए, ये लगाए अस्थाना के ऊपर। अस्थाना जी कौन है, अस्थाना नंबर 2 है, ही इज नंबर 2, राकेश अस्थाना इज नंबर 2 इन सीबीआई। वो स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई के, वो कौन कौन से केस देख रहे थे, अगस्ता वेस्टलैंड, मोइन कुरैशी, विजय माल्या, जितने पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस थे वो सारे राकेश अस्थाना देख रहे थे। और राकेश अस्थाना और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा लगातार राकेश अस्थाना जी के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से दबाव बना रहे थे, उन्हें किसी ना किसी तरह से केस में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा खुद राकेश अस्थाना ने करीब करीब सितंबर अक्टूबर के महीने में कहा था, बाकायदा इन्होंने इस बात को, ये मीडिया में भी ये बातें आई थी। इसके बाद राकेश अस्थाना ने जैसे ही आलोक वर्मा जी की पोल खोलनी शुरू करी, आलोक वर्मा जी के केसेस सीवीसी को देने शुरू किए, और उन्होंने सीवीसी को बताया कि किस प्रकार से आलोक वर्मा सीबीआई की रेप्यूटेशन को खराब कर रहे हैं,
इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं कर रहे, ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तब 15 अक्टूबर 2018 को, इससे पहले वो कह चुके थे कि मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना के खिलाफ एक FIR दर्ज कर लेती है सीबीआई। सीबीआई अपने ही स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ, डायरेक्टर के कहने पर, नंबर वन के कहने पर, नंबर टू पर FIR दर्ज कर लेती है और उसकी इंक्वायरी शुरू कर देती है। क्यों शुरू कर देती है इसको भी देखिए, बहुत सारे केस है। क्रिश्चियन मिशेल का, अगस्ता वेस्टलैंड का केस राकेश अस्थाना देख रहे थे, उस पर आएंगे। ये अभी वो चीजें हैं जो आपने अखबारों में पढ़ी है, अखबारों में सुनिए, सब कुछ आपके सामने है, कुछ इसमें नया नहीं है। विजय माल्या जैसे केस, अस्थाना, अगस्ता वेस्टलैंड में, अगस्ता वेस्टलैंड में पहली चार्जशीट राकेश अस्थाना दायर कर चुके थे। जो पहली चार्जशीट थी अगस्ता वेस्टलैंड की, वो राकेश अस्थाना ने दायर करी थी। दूसरी यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और आनी थी। पहली चार्जशीट ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर थी कि ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं अगस्ता वेस्टलैंड में। दूसरी चार्जशीट जो आनी थी, वो चार्जशीट ये आनी थी कि इसमें कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व थे। तो दूसरी चार्जशीट आने से पहले इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है और ये झगड़ा इस कदर हो जाता है कि ये इनके इन प्रकरण अगस्ता वेस्टलैंड की कार्रवाई पूरी ना हो पाए। अब मेरा एक सवाल है, एक ऑफिसर जिसके ऊपर इतना बड़ा कार्यभार दिया गया है, जो अगस्ता वेस्टलैंड जैसे डील को प्रोब कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कर रहा है, सरकार के कहने पर कर रहा है, उसको इस प्रकार से परेशान क्यों किया गया? अमीर रिजवी जी रुके रहिए 2 मिनट, राफेल पर भी आऊंगा, राफेल पर भी आपको बता दूंगा। अमीर रिजवी जी ने एक सवाल उठा दिया कि राफेल की वजह से उसको बचाने का प्रयास किया। एक कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूं जो आपको शायद नहीं मालूम होगी, सीबीआई कोई भी डिफेंस डील को प्रोब नहीं कर सकती। यदि एक आम आदमी भी कंप्लेंट करता है तो सीबीआई किसी भी डिफेंस डील को प्रोब नहीं कर सकती। सीबीआई इज नॉट एम्पावर्ड टू प्रोब एनी डील रिलेटिंग टू डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डील, कोई भी कागज, सीबीआई कोई भी केस सीबीआई प्रोब नहीं कर सकती। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिर्फ ऑडिट कर सकता है, उसकी भी लिमिटेशन है, और उस ऑडिट की वो रिपोर्ट दे सकता है जो कि प्रधानमंत्री को अगेंस्ट जाती है। सीबीआई किसी भी प्रकार से किसी भी डिफेंस डील को प्रोब नहीं कर सकती। बार बार ये जो कहना है राफेल का कर रहे थे, सीबीआई एम्पावर्ड ही नहीं है। सीबीआई सिर्फ कोर्ट के आदेश पर प्रोब कर सकती है या सरकार के आदेश पर प्रोब कर सकती है। इन दोनों ही लोगों ने, दोनों संस्थाओं ने, ना तो सरकार ने और ना कोर्ट ने कभी भी आदेश नहीं दिया कि राफेल को आप प्रोब कीजिए। तो ये जो झूठ जो चल रहा है कि राफेल को प्रोब करें, राफेल को प्रोब करने का सीबीआई के पास अधिकार ही नहीं है, इसको समझ लीजिए। दूसरी बात, सीबीआई इसको प्रोब इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग था। ना सिर्फ पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा राफेल में क्लीन चिट दे दी। जिस केस को सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी हो, उस केस को कोई भी दूसरी संस्था नहीं खोल सकती। ये बहुत क्लियर रिटन संविधान में लिखा हुआ, एक बहुत क्लियर बनाया हुआ एक परंपरा है। तो रूल्स को ट्वीक करने की जो बात हो रही है, वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि राफेल को सीबीआई देखने वाली थी, राफेल को कभी नहीं देखने वाली थी राफेल, क्योंकि डिफेंस डील है राफेल को, सीबीआई इज नॉट एम्पावर्ड टू लुक इनटू राफेल। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है सरकार को। ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय से क्लीन चिट मिलने के बाद कोई भी संस्था उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती या उस केस को ओपन नहीं कर सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये ना कहे कि इसमें घोटाला हुआ, आप कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, इस आधार पर ये केस यहाँ खत्म हो जाता। तो राफेल के जो लोग बात कर रहे हैं वो अपने दिमाग से जरा ये पर्दा हटा लें, जो उनके जाला उनके दिमाग के ऊपर लगा हुआ उसको हटा लें। राफेल में ना तो एम्पावर्ड है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद वो इस प्रकार से इस केस को ले सकते थे। अब राकेश अस्थाना जी अगस्ता वेस्टलैंड का जो केस ले रहे थे, राकेश अस्थाना जी इसमें एक और काम कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशेल जो आने वाला है उससे भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ठीक है, राकेश अस्थाना जी ने इस बात को बाकायदा कहा था कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और तमाम सारी बातें लगातार काफी महीनों से चल रही थी, लेकिन सरकार चुप थी, सरकार आंख बंद किए बैठी थी, बोले दो लोगों का मैटर है, आपस में निपट जाएगा, लेकिन नहीं निपटा। सीवीसी ने बाकायदा आलोक वर्मा को कई सारे चांसेस दिए कि आप आइए, अपियर हुए, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने बोला आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आइए अपने आरोपों को आप झूठा सिद्ध कीजिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन ये कभी नहीं गए। इनफैक्ट अलबत्ता इसके अलावा जब सीवीसी ने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्होंने सीवीसी को डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए,
आलोक वर्मा जी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तो फोर्ज है, जिसमें फोर्ज सिग्नेचर है, फर्जी सिग्नेचर है, फर्जी डॉक्यूमेंट दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम सारी न्यूज है जो ये बता रही है, और तमाम सारे इनसाइड सोर्सेज हैं जो बता रहे हैं कि आलोक वर्मा ने बाकायदा फोर्ज डॉक्यूमेंट सीवीसी को दिया था। बात सिर्फ यही नहीं होती खत्म, इसके अलावा बहुत कुछ है। एक सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक स्टेटमेंट आया जिसको कि गलत तरीके से दिखाया गया। ये रहा वो स्टेटमेंट जिसमें कि सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बताया गया है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आप जो है इनको नहीं हटा सकते बगैर खाली बिना इनको सुने, इनको नहीं हटाया जा सकता। लेकिन एक बात यहां समझने की है, इंक्वायरी जो चल रही थी वो सीवीसी की चल रही थी। आलोक वर्मा जी को अपना पक्ष सीवीसी के पास रखना था, उसने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर जो डिपार्टमेंटल एक्शन होना है उसकी जो कमेटी है उसमें कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में व्यक्ति जो आरोपी होता है उसको पेश नहीं होना होता, ना ही उसकी कोई बात वहां सुनी जाती है, क्योंकि वहां डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग काम हो रहा होता है। और ऐसे में इसमें तीन लोग थे जो पॉलिसी मेकिंग में थे, नंबर वन वॉज द प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू वॉज द चीफ जस्टिस एंड नंबर थ्री जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नंबर थ्री वॉज मल्लिकार्जुन खड़के जो कि ऑपोजिशन के लीडर के तौर पर वहां बैठे हुए थे। अब ऐसी क्या बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को इनको हटाना पड़ा। पहले थोड़े से करप्शन की बात कर लें, इनके ऊपर चार्जेस कौन कौन से लगे, ये पूरा कच्चा चिट्ठा है आलोक वर्मा जी का जो इनके ऊपर चार्जेस लगे। हाउस नंबर W90B ग्रेटर कैलाश एक में इनका है, विजेता विहार में इनके पास में एक और घर है, वसंत विहार में C2/13 वसंत विहार में, पृथ्वीराज रोड, ये अरबों रुपए की संपत्ति वाली चीज है पृथ्वीराज रोड, इतना महंगा है, इतनी महंगी जगह है कि आप कदम रखने की भी आपको वहां जगह नहीं मिलेगी। पेंथाउस फ्लैट इन जेपी ग्रीन्स सेक्टर 134, यही अकेला पृथ्वीराज रोड की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब करीब 5-7 करोड़ का, अगर फ्लैट है तो फ्लैट 5-7 करोड़ का, यदि ये गलती से कोठी है यानी घर है तो ये करीब करीब सेवरल करोड़ में जाएगा। ये वसंत विहार अगेन एवरीबडी नोज इट इज वेरी कॉस्टली। इसके अलावा इनकी जो कंपनीज हैं, हेरोन सोलारिस प्राइवेट लिमिटेड, रॉयल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जीनेट इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्णिया ट्रेडिंग इंटरनेशनल, पुरियाम ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और तमाम ऐसी सारी कंपनियां ये यहां जाती है। इसके बाद आती है ओपीएम ट्रेड्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, माउंट स्प्रिंग ब्रेवरेजेस, वेवरली होटल्स, डॉल्फिन हार्डवेयर्स, गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ रेस्टोरेंट, तमाम सारी ऐसी चीजें, तमाम इनकी प्रॉपर्टी जो सामने है। लेकिन क्या एक सिंपल सा करप्शन के केस के लिए देश का प्रधानमंत्री रात के 2 बजे तक जागेगा? करप्शन के केसेस तो बहुत होते हैं, उन्हें आराम से हटाया जा सकता है। ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई थी कि देश के प्रधानमंत्री को रात के 2 बजे इनको हटाना पड़ा? अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, कोई न्यूज चैनल नहीं बताएगा, कोई न्यूज पेपर इसको पब्लिश नहीं करेगा, लेकिन विश्व के न्यूज पेपर्स में बाकायदा पब्लिश हुआ कि किस प्रकार से भारत में सीबीआई के डायरेक्टर जो बनकर बैठे हैं वो किस प्रकार से विश्व के अंदर भारत के जितने भी रॉ की एक्टिविटीज हैं उनको एक्सपोज कर रहे थे। जी हाँ, रॉ की एक्टिविटीज को एक्सपोज कर रहे थे आलोक वर्मा एक्स सीबीआई डायरेक्टर। ये मेरा नहीं कहना है, ये दुबई का सबसे ज्यादा चलने वाला जेद्दा में जो न्यूज छपी है उसको भी जरा देख लीजिए, उस पेपर का। हम इस पेपर का नाम नहीं दे रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं रॉ चीफ, ये हेडलाइंस है, रॉ चीफ टोल्ड प्राइम मिनिस्टर सर बेटर वी शट डाउन, वी आर एक्सपोज बाय सीबीआई इन पब्लिक। रॉ के चीफ बोलते हैं कि सर इससे बेहतर है कि हम बंद कर दें क्योंकि हमें जनता के सामने एक्सपोज कर दिया गया, हमारे एक एक एजेंट का नाम पता उसकी पहचान एक्सपोज कर दी गई है। रॉ में एजेंट्स जो होते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि विदेशों में काम करता है, जो कि दूसरे देशों में एजेंट्स होते हैं जो वहां से इनपुट्स भेजते हैं, उन इनपुट्स उन लोगों को उन एजेंट्स को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था, उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, ये सोर्सेस बता रहे हैं, सोर्सेस सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन भी टैप कराए थे, बाकायदा अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के फोन भी टैप कराए थे, रॉ के चीफ के फोन भी टैप कराए थे। एक सीबीआई डायरेक्टर जिसका मकसद सिर्फ उन इंक्वायरीज से होना चाहिए जो वो कर रहे हैं, उन्होंने किस अथॉरिटी से प्रधानमंत्री अजीत डोवाल और रॉ के चीफ के फोन को टैप कराया,
ये बहुत बड़ा आरोप है, ये देशद्रोह का आरोप है, जिन्हें रिटायर कर दिया गया, जो जिन्हें हटाया गया और फायर सर्विसेज में भेज दिया गया, वो ओवर एज हो गए थे, अगले दिन तो उन्हें वैसे ही रिटायर होना था, वो खुद से रिटायरमेंट ले गए, लेकिन सच्चाई इससे परे है। इन्हें सिर्फ हटाया नहीं जाना चाहिए, इनके ऊपर बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत संगीन मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत संगीन मामला है। रॉ के चीफ रात के जाकर मिले हैं, रात को मिले प्रधानमंत्री मोदी से, और रात को मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा था कि हमको रॉ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, दुबई में हमारे जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वो बंद हो गए। दुबई में ही क्यों, आखिर दुबई के लोग एक्सपोज क्यों हुए? तो क्या आलोक वर्मा जी, क्रिश्चियन मिशेल जिसे को दुबई से लाया जा रहा था, क्या उस पूरे ऑपरेशन को हैम्पर करना चाह रहे थे आलोक वर्मा जी? आलोक वर्मा जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, आपके ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, कृपया करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या आलोक वर्मा जी, क्रिश्चियन मिशेल जिसको कि भारत लाया जा रहा था, क्या उसको रोकने के लिए ये सारी कवायद की गई कि वहां के लोग जो रॉ के एजेंट्स थे, आप इस हद तक चले गए कि रॉ के एजेंट्स को एक्सपोज कर दिया गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो न्यूज जेद्दा में छपी है, जो सऊदी अरेबिया में छपी है, ये वो न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे देखिए क्या बोलते हैं सीबी डायरेक्टर। देखिए, On the early hours of 23 October, it थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सबको आसानी से दिखे। चलिए साहब, it transpires that an angry raw chief Anil Dasmana rushed to Prime Minister on Sunday, October 21. Sunday rushed to Prime Minister, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, भागते हुए प्रधानमंत्री के पास गए रविवार के दिन, छुट्टी के दिन 21 अक्टूबर को, और उनको बताया, एंड टोल्ड हिम आवर एंटायर ऑपरेशन सिस्टम इन दुबई हैज बीन एक्सपोज्ड, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो रॉ का सिस्टम है, जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, हम क्या क्या काम कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम एक्सपोज कर दिया गया है। वी हैव बीन एक्सपोज बाय आवर ओन एजेंसी, हमारे ही लोगों ने, आवर ओन मैन आर इन डेंजर, हमारी ही एजेंसी ने, यानी यहां सीबीआई की बात हो रही है, ने हमें एक्सपोज कर दिया, एंड आवर मैन आर इन डेंजर, हमारे लोगों पर अब मौत का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें किसी भी समय वहां की पुलिस, वहां की मिलिट्री एजेंसी, वहां की सिक्योरिटी एजेंसी पकड़कर उन्हें बाकायदा फांसी भी दे सकती हैं, क्योंकि स्पाइंग पर हर देश में फांसी देने तक का प्रावधान है, और दुबई में इसके नियम बहुत कड़े हैं। अब इसके बाद क्या होता है, और आगे बोलते हैं, हाउ कैन वी फंक्शन, इस तरह से हम कैसे काम करेंगे। As if this was not enough, Dasmana, who is very cool, जो दशमना जो कि बहुत cool हैं, calm हैं, composed officer हैं, went to an extent of saying, इतना आगे तक उन्होंने कहा, sir, if this goes on, it's better we shut down the raw, इसको ध्यान से पढ़िए, sir, if this goes on, प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि सर यदि यही चलता रहा, यदि ऐसे ही काम करना, तो बेहतर है हम रॉ को बंद कर दें, रिसर्च एनालिसिस को, विंग को बंद कर दें, कम से कम उन लोगों की जान बच जाएगी जो हमारे लिए काम करते हैं, उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, ये एक्सपोज किया गया कि वहां कौन कौन काम कर रहा है, और कौन कौन काम कर रहा है, वो एक्सपोजर बाकायदा सीबीआई द्वारा किया गया, ये टिप ऑफ दिया गया सीबीआई द्वारा। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा, दशमना टोल्ड पीएम दैट सुमंत कुमार गोयल, हु इज नंबर टू इन रॉ, वॉज वंस दुबई रॉ स्टेशन डायरेक्टर इन दुबई। ये रॉ के सुमंत गोयल, जिनका की नाम एफआईआर में भी दिया गया, इनका जो टिप ऑफ दी गई, ये स्टेशन डायरेक्टर थे दुबई में, ये दुबई में भारत के लिए काम करते थे, रिसर्च एनालिसिस विंग में काम करते थे, भारत के जासूस थे, और न सिर्फ जासूस थे बल्कि भारतीय जासूसी एक्टिविटीज जो पूरी दुबई में चलती है उनके डायरेक्टर थे, स्टेशन डायरेक्टर थे। ये ऑल्सो टोल्ड महेश प्रसाद एंड सोमेश प्रसाद, ये दो नाम और आए जो इन्होंने लीक किए, महेश प्रसाद और सोमेश प्रसाद are the sons of former raw top officer, ye former raw top officer jo raw ke adhikari rahe unke bacche hain, he was once head of raw dubai operation, ye bhi dubai operation ke head rahe the, jo ye bacche hain inke pitaji dubai operations ke head rahe the, mahesh prasad ek investment banker hain aur somesh prasad apni khud ki company chalate hain, both brothers used to help raw whenever needed and provide vital information, dono bhai raw ki bharsak madad karte the aur bahut गोपनीय जानकारी देते थे भारत को जब भी चाहिए होता, दे वर इन टच विद सुमन कुमार गोयल हु वाज रॉज ऑपरेशन हेड इन दुबई वंस। ये पूरा का पूरा जो केस है, ये पूरा केस जो है, ये केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों इसमें स्टेप इन करना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को रात के 2 बजे क्यों हटाना पड़ा,
उसका कारण यह है कि देश के साथ गद्दारी हो रही थी, रॉ जैसी एजेंसी के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और रॉ जैसी एजेंसी के साथ ये चल रहा था कि उसके लोगों को पूरा मरवाने, मौत के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया गया था। उसके जो एजेंट्स हैं, उसके जो प्रसाद तात्या साहब, आप शायद पहली बार मेरा लाइव देख रहे हैं, इनको लिंक चाहिए वेबसाइट की, हम लिंक नहीं देते, हम जो कहते हैं वही सही होता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी सबसे पहले सोशल मीडिया पर बताने वाला व्यक्ति मैं ही था, कर्नल पुरोहित के पूरे केस को एक्सपोज करने वाला मैं ही था, और आज इस केस को एक्सपोज करने वाला भी मैं ही हूं, चाहे वो खालिस्तान हो या कोई और, इन सबको सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज करने वाला मैं ही था। वेबसाइट का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब हमने वेबसाइट से बात करने का प्रयास किया, हमसे बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो सोर्सेज है जिन्होंने इस वेबसाइट के बारे में, जहां पब्लिश हुआ जेद्दा में, तमाम जगह पब्लिश हुआ, तो वहां ये बताया गया कि इनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है, और कई सारे संगठन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो इस न्यूज़ को पुल डाउन कर ले, लेकिन उससे पहले ये लिंक हम तक आ चुकी थी इस न्यूज़ को। मेरे पास में पता तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन सोर्सेज नहीं थे। फिर लोग पूछते लिंक दो, इनके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं लिंक दे दीजिए, तो लिंक के बीमारों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी सोर्सेज तो मेरे पास बहुत पहले से मुझे क्लियर था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने क्यों इसमें हस्तक्षेप किया, ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सीबीआई ने रॉ को बर्बाद करने की ठान ली थी, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने। देखिए अब आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर वॉज सीटिंग विद एंगर, गुस्से में एकदम लाल हो गए थे विद आलोक वर्मा एंड आफ्टर अनिल दसमाना कंप्लेंट एंड गेव डिटेल्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। इसके बाद क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर समन्ड आलोक वर्मा द सेम डे अक्टूबर 21st एंड हर्ड हिज साइड ऑफ द स्टोरी। कौन कहता है कि आलोक वर्मा को मौका नहीं दिया गया, खुद प्रधानमंत्री ने मौका दिया संडे को अक्टूबर 21 को, उनको दसमाना यानी रॉ के चीफ की मुलाकात के बाद उनको बाकायदा प्रधानमंत्री ने बुलाया, उनकी बात सुनी। However, it was clear that PM was unhappy, but he refrained from telling him to quit. उनकी बात सुनने के बाद, आलोक वर्मा की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री उससे संतुष्ट नहीं हुए, और बाकायदा उन्होंने अपनी मर्यादा रखते हुए इसके बावजूद आलोक वर्मा जी से ये नहीं कहा कि वो इस्तीफा दे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने, ही कर्टली टोल्ड वर्मा टू मीट अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उन्होंने बहुत विनम्रता के साथ कहा कि आप अजीत डोवाल जी से मिल लीजिए। इट वॉज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हु टोल्ड वर्मा टू पुट इन हिज पेपर्स। अजीत डोवाल ने आलोक वर्मा से कहा था कि आपके ऊपर बहुत गहरे आरोप लगे हैं, आपके ऊपर आरोप ऐसे लग रहे हैं कि आपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप देश के रॉ के ऑफिसर्स और रॉ के एजेंट्स के टिप ऑफ कर रहे हैं, इसलिए आप पेपर्स अपने दे दीजिए, आप रिजाइन कर दीजिए। पुट इन पेपर्स का मतलब होता है आप रिजाइन कर दीजिए। इसके बाद अजीत डोवाल की बात सुनने के बाद वर्मा जी वहां से, आलोक वर्मा जी वहां से उठे और वो वहां से चले गए, ये भी यहां स्पष्ट है। और उन्होंने बाकायदा जी डोवाल ने यह भी कहा था, आपने इस देश की एजेंसी को बहुत बुरी तरह से इसका नाम खराब किया है, और नाम खराब करने के अलावा ही ऑल्सो टुक टास्क फॉर नेमिंग सुमंत कुमार गोयल, जिनका FIR में कहीं कोई लेना देना नहीं था, उनका नाम भी, गोयल का नाम भी डाल दिया, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। इट वॉज वर्मा हु रोट लेटर अगेंस्ट अस्थाना वे बैक इन 2017, अक्टूबर 2017 में इन्होंने अस्थाना के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। क्यों लगाए थे, क्योंकि वो, अब देखिए अस्थाना के ऊपर चार्जेस लगाने का कारण क्या था ये तो वर्मा जी ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे थे कि विजय माल्या का केस उनके पास था, अगस्ता वेस्टलैंड का केस उनके पास था, क्रिश्चियन मिशेल का केस उनके पास में था, इसके लिए ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे कि आप मेरे हिसाब से काम करो नहीं तो आपके ऊपर सीवीसी में एलिगेशन लगा दूंगा, आपको केस में फंसा दूंगा। ये बात तो उन्होंने इससे भी कुछ महीने पहले कह दी थी अस्थाना ने। अस्थाना जी पाक साफ है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मैं यहां ये जो बात कर रहा हूं ये बात सिर्फ इतनी है कि देश की एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को, रॉ जैसी एजेंसी को एक्सपोज किस प्रकार से कर रही थी, किस प्रकार से उन्हें मरवाने का प्रयास कर रही थी, ये देखिए। और आगे देखिए, इस सारे झगड़े में इन्होंने उस पर केस किया, उन्होंने इस पर केस किया, गवर्नमेंट शट इट आईज होपिंग दैट वर्मा विल रिटायर ऑन फरवरी 1, 2019 विदाउट डूइंग एनी डैमेज टू द इंस्टीट्यूशन। सरकार ने बोला कि ये तो भाई रिटायर होने वाले हैं, इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये अपना रिटायर हो ही जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रही, लेकिन फिर भी करना पड़ा। जब रॉ के एजेंट्स
के नाम बाकायदा बाहर जाने लगे, जब रॉ की इंफॉर्मेशन बाहर जाने लगी, जब प्रधानमंत्री के फोन टैप, अजीत डोवाल के फोन टैप होने के बाद उसमें जो वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो बातचीत है, जो देश की सुरक्षा से संबंधित चीज है, वो जब बाहर जाने लगी तो प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मैंने आपसे कहा कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाने वाला, कोई न्यूज पेपर नहीं छपेगा, ये सिर्फ इस लाइव पर आपको मिलेगा। आगे देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद अक्टूबर में FIR करवा दी जाती है अस्थाना के खिलाफ में, और ये सारी कहानी चलती जाती है, बट सरकार इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करती। अनड्यूली नॉट अनड्यूली वर्ड, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्मा's fate was sealed the moment में ही मेड रॉज नंबर टू गोयल्स नेम पब्लिक इन अस्थाना केस। यहां गड़बड़ शुरू होती है। रॉ के व्यक्ति का नाम पब्लिक करते हैं आलोक वर्मा, और यहीं से सारी गड़बड़ होती है। व्हेन अजीत डोवाल टोल्ड वर्मा ऑन अक्टूबर 21 इवनिंग टू सेंड रेजिग्नेशन, ही सेड ही वुड सेंड इट एंड गॉट अप टू लीव। यहां उन्होंने बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से कहा आलोक वर्मा ने कि मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगा, और वो उठे और वो चले गए, अपने घर को चले गए, ऑफिस नहीं गए, जबकि उनसे कहा गया था कि आप जाकर फैक्स से हमें अपना रेजिग्नेशन भेजिए। लेकिन वो फैक्स से रेजिग्नेशन कभी नहीं भेजा गया और वो चुपचाप अपने घर को चले गए। इसके बाद में क्या होता है वो भी थोड़ा सा देखेंगे। बहुत मजेदार केस है, जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा ताकि लोगों तक पहुंचता रहे। लोगों को सच्चाई जरूर मालूम होनी चाहिए कि जो लोग और इनका समर्थन करने वाले कौन है। मल्लिकार्जुन खड़के कांग्रेस के लीडर, सुप्रीम कोर्ट का जज भी साथ में बैठा, उसको भी पता ये आदमी सही नहीं है, उन्होंने उसे हटा दिया। लेकिन एक सपोर्टर तो मौजूद है, और वो सपोर्टर हमेशा एक ही होता है, चाहे जनरल कैटेगरी के गरीबों का बिल हो, उनको आरक्षण का बिल हो, उसमें भी वही विरोधी हैं जो देश का विरोध कर रहे हैं, रॉ ऑफिसर्स का विरोध कर रहे हैं। देख लीजिए देश की सेना के साथ में, देश की सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग कौन है, ये आपके सामने है। बट इंस्टेड गोइंग टू ऑफिस वर्मा वेंट टू होम, जो मैंने अभी आपको बताया। इट ट्रांसपायर्स दैट वर्मा डिड नॉट सेंड द ईमेल अंटिल मिडनाइट। डोवाल एक्सपेक्टेड, मतलब उस रात तक उन्होंने ईमेल नहीं भेजी। डोवाल एक्सपेक्टेड दैट ही विल सेंड द रेजिग्नेशन ऑन मंडे आफ्टर रीचिंग द ऑफिस ऑन अक्टूबर 22। मंडे को पहुंचने के बाद ये अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, इस बात में डोवाल बहुत क्लियर थे, उन्होंने सोचा दे देंगे मंडे को ऑफिस खुलने पर दे देंगे। लेकिन इसके बाद जब अजीत डोवाल ने उन्हें कॉल किया, व्हेन डोवाल कॉल्ड ओवर हिज मोबाइल फोन, वर्मा डिडंट टेक हिज कॉल ईदर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन भी नहीं उठाया, प्रधानमंत्री का फोन भी नहीं उठाया, किसी के फोन नहीं उठाए। ये आलोक वर्मा जी की सच्चाई है, जो ये कहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। उन्हें मौका प्रधानमंत्री ने दिया, उन्हें मौका अजी NSA ने दिया, उन्हें मौका CVC ने दिया, और बार बार दिया, कईयों बार दिया। ये झूठ क्यों चलाया जा रहा है ये जरा देखने की जरूरत है। इट वॉज दिस मोमेंट दैट डिसीजन टू सैक द रोज डायरेक्टर वॉज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर कंसल्टिंग डोवाल। यहां वो चीज आ गई थी कि अब तो ये फोन भी नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे। इस प्रकार के जो अनुशासनहीन डायरेक्टर हैं, इनको अब हटाया जाना पड़ेगा। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई, क्योंकि अगर यदि इनको नहीं हटाते तो देश की सिक्योरिटी और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, और ज्यादा नाम ये बाहर कर सकते थे, जिससे कि देश की सिक्योरिटी को खतरा उत्पन्न हो सकता था। CVC was told to complete the process of inquiry the same day. एक दिन में inquiry complete करके दीजिए, ये कहा गया बाकायदा अजीत डोवाल जी की तरफ से। Inquiry against Verma was already going on after the cabinet secretary wrote to CVC to look into allegation against him. Inquiry पहले से ही चल रही थी। अब सबसे मजेदार बात एपिसोड यहां आता है। It can now be told that the CVC office remained open until 11:30 PM and 8 pages report was sent back to the cabinet secretary who was waiting in his office. अब रात के 11:30 बजे तक इस इंक्वायरी को कंप्लीट किया जाता है, CVC की इंक्वायरी को कंप्लीट किया जाता है। ये इमरजेंसी की सिचुएशन इसलिए आ गई कि रॉ के साथ में देश के प्रधानमंत्री अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, रॉ के चीफ के साथ सबकी जानकारियां, देश की सुरक्षित जो सेंसिटिव जानकारियां, वो बाहर जानी शुरू हो चुकी थी। उनको किसी भी प्रकार से रोकना था, इसके लिए रात के 11:30 बजे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, और ये रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेजी जाती है। कैबिनेट सेक्रेटरी PK सिन्हा इसको कंसल्ट करते हैं, और होम सेक्रेटरी चंद्रमौली के साथ में और राजीव गुबा जी के साथ में इस रिपोर्ट को आगे भेजते हैं प्रधानमंत्री के पास। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जरा इसको देखिएगा ध्यान से। रिकमेंडेशन ऑफ एक्शन वॉज सेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM प्राइम मिनिस्टर निपेंद्र मिश्रा हु वॉज ऑल्सो सिटिंग इन द ऑफिस।
यानी रात के 11:30 बजे तो रिपोर्ट बनी। इसके बाद ये रिपोर्ट पहुंची करीब 12:30 बजे। निपेंद्र मिश्रा जी जो कि ऑफिस में इंतजार कर रहे थे इस रिपोर्ट का, और पी के मिश्रा वॉज ऑल्सो देर एंड पी एम ऑल्सो अवेक, रात के 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। और इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी सिक्योरिटी, देश को इतना बड़ा खतरा इससे उत्पन्न हो चुका था कि देश के प्रधानमंत्री को रात के 2 बजे तक जागना पड़ा और रात के 2 बजे इनको हटाया गया। इट टुक ऑलमोस्ट 2 आवर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड सैक ऑर्डर ऑफ वर्मा टू वर्मा वाज सेंड इन 2 AM इन द मॉर्निंग। पहले ये सोचा गया कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन उसमें कानूनी अड़चने थी, उन्हें हटाया नहीं जा सकता था क्योंकि संवैधानिक पोस्ट पर बैठे थे, इसमें 2 लोगों की और सहमति चाहिए थी और वो सहमति उस समय नहीं मिल सकती थी। कल तक क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं था, कल तक क्या हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। इसके लिए उनको जबरन छुट्टी पर भेजा जाना ही एकमात्र ऐसा विकल्प था जो सरकार कर सकती थी और जो सरकार ने किया। और अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं लिंक, तो ये हरीश गुप्ता जी हैं जो नेशनल एडिटर हैं लोकमत ग्रुप के, ये पूरा आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया है। आप हरीश गुप्ता लोकमत के जो एडिटर हैं उनसे जाकर संपर्क कर लीजिए जिन लोगों को लिंक चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे और भी सबूत हैं, ऐसे बहुत सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर यह निकाला जाता है कि वर्मा आलोक वर्मा बाकायदा सीट पर बैठकर पद का दुरुपयोग कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशेल को येन केन प्रकारण भारत में ना आने पाए इस पर प्रयास कर रहे थे। कई पॉलिटिशियंस को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जो टॉप नॉच पॉलिटिशियंस है, जो टॉप एंड पॉलिटिशियंस है उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। इनका प्रयास ये था कि येन केन प्रकारण ये जांच पूरी ना हो पाए, जो जांच चल रही है ये जांच पूरी किसी भी प्रकार से ना हो पाए, क्रिश्चियन मिशेल ना आ पाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने दुबई के लोगों को, दुबई की एजेंसीज को बता दिया। यहां ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि रात के 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सारे घटनाक्रम के बाद दुबई की टॉप अथॉरिटी, सोर्सेस के सूत्रों के हवाले से माने कि दुबई के टॉप अथॉरिटी शेख से उनको बात करनी पड़ी थी, और उन्होंने ये एश्योर किया था कि ये सिर्फ क्रिश्चियन मिशेल को लेने के लिए लोग वहां गए हैं जो रॉ के ऑफिसर्स हैं, कृपया करके इनको अरेस्ट ना किया जाए और क्रिश्चियन मिशेल के साथ इनको भी देश भेजा जाए। जो लोग वहां गए थे उनके पासपोर्ट के ऊपर बाकायदा मार्किंग, इंटरनल मार्किंग की गई है दुबई में, और आज के बाद शायद उन्हें कभी दुबई का वीजा भी ना मिले उन अधिकारियों को। ये भी सोर्सेस बताते हैं कि यदि प्रधानमंत्री बात नहीं करते तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जेपरोडाइज हो जाता, ये पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता, और क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने के बजाय जो भारत से जो अधिकारी गए थे उनको ही वहां अरेस्ट करके उनको चार्ज किया जाता, हो सकता था उन्हें मृत्युदंड भी मिल जाता। एक व्यक्ति को बचाने के लिए क्रिश्चियन मिशेल कितनों के नाम खोलने वाला, उनको बचाने के लिए अधिकारियों की बलि चढ़ा दी जानी जा रही थी, जिसको कि देश के प्रधानमंत्री ने रोका, उन जाबाज सिपाहियों की जान बचाई जो रॉ के लिए काम कर रहे थे, जो देश के लिए काम कर रहे थे, और रात के 2 बजे भी किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से बात करने में जरा सी भी संकोच नहीं किया। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, जिनके ऊपर 2 करोड़ की नगद रिश्वत लेने का सबूत आरोप नहीं, सबूत सीवीसी ने दिया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिया है। और न सिर्फ इतना, ये रिपोर्ट कभी आप सरकार ने ये कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए व्यक्ति पर, यानी संवैधानिक संस्था पर कोई आरोप लगे, क्योंकि वो उससे सरकार की ही किरकिरी होती है। इतने सारा गेम ये चुपचाप अंदर ही अंदर खेलते रहे। लुटियन जोन के जो पत्रकार हैं, जो पत्तल चाट पत्रकार हैं, वो इनके साथ लगे रहे, आलोक वर्मा को सही बताते रहे, क्योंकि उनके मालिक और मालकिन पर अंदर जाने की तलवार लटक रही थी, और उस तलवार से बचने के लिए उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जिन लोगों को वो फांसी पर चढ़वाने की जुगाड़ कर रहे हैं वो देश के जाबाज सिपाही हैं, वो देश के लिए मरने मिटने वाले लोग, जो देश छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर वहां पर रह रहे हैं, कई लोग अपने परिवारों के साथ वहां रह रहे हैं कि उनके ऊपर शक ना हो, ऐसे लोगों को परिवार के साथ मरवाने का पूरा प्लान है, उनको एक्सपोज करने का यदि कोई काम किया तो वो किया गया था सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के द्वारा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आलोक वर्मा जी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से सारी खबर जो आई है ये मैंने आपको बताई है, तमाम सारे सूत्र हैं जिनके हवाले से ये खबर आई है। सूत्रों की नहीं बताया जा सकता, सोर्सेस क्या हैं ये कभी नहीं बताया जा सकता। वी आर वर्किंग इन अ एनवायरमेंट वेयर वी हैव टू इन्वेस्टिगेट सर्टन थिंग्स। मेरे प्रोफाइल पर जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमारा काम ही यही है
कि अंदर की वो खबर लेकर आना जो किसी को ना पता हो। तो ऐसे में जो लोग ये सोचते हैं कि सूत्र क्या है, तो कई सारे सूत्र होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में भी लोगों ने सूत्र मांगे थे, तभी भी हमने नहीं दिए थे। आज भी कई लोग सूत्र के लिए सोच रहे होंगे, तो वो भी सूत्र नहीं दिए। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूं कि ये सारा प्रपंच आलोक वर्मा जी को हटाने का, जो इमरजेंसी जैसी जो एक स्थिति आ गई थी, वो इमरजेंसी की स्थिति सिर्फ इसलिए आई थी कि यदि इनको नहीं हटाया जाता तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में पड़ जाती, देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती। ये तमाम सारे लोग इस प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए। ये सारी कवायद सिर्फ चंद पैसों के लिए हुई थी। ये पूरी जो रॉ को एक्सपोज करने का काम हुआ, रॉ के एजेंट्स को मौत के मुंह में धकेलने का जो काम हुआ, वो सिर्फ चंद पैसों के लिए हुआ, सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए हुआ। तो अब आपको समझ में आया कि आलोक वर्मा जी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को रात के 2 बजे क्यों जागना पड़ा, क्यों दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से रात को बात करनी पड़ी। ये सारी सूत्रों के हवाले से खबर है। क्यों सीबीआई को जरूरत पड़ी थी एनएसए चीफ अजीत डोवाल का फोन टैप करने की, क्यों जरूरत पड़ी थी प्रधानमंत्री जैसे पद के, ये सूत्र बता रहे हैं। और यदि ये आरोप गलत हैं तो आलोक वर्मा जी आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप बाहर आएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों पर, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इन आरोपों पर कृपया करके जरूर अपना एक स्पष्टीकरण दें। मजे की बात यह है कि इस पूरी रिपोर्ट को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है हरीश गुप्ता, हिंदुस्तानी है और उनका लेख छपता है। यहां का कोई न्यूज़पेपर उस लेख को नहीं छापता, ये इनसाइडर न्यूज कोई न्यूज़पेपर नहीं छापता, ये इनसाइडर न्यूज कोई चैनल भी नहीं दिखाता, लेकिन ये इनसाइडर न्यूज जेद्दा में छपती है, दुबई में छपती है, ये सब जगह छपती है, पूरे विश्व को पता चलता है छोड़ भारत के, क्योंकि यहां का मीडिया बिका हुआ मीडिया, यहां का मीडिया कभी आपको सच नहीं दिखाएगा। ये पूरी की पूरी सच्चाई, सबके सामने आज है। और ये सच्चाई इसलिए भी आपको जानना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि उन्होंने इतनी जल्दी में, इतनी हबड़तमड़ में इनको हटाया। जो लोग देश के नहीं है वो आपके भी नहीं है, इसको भी समझ लीजिए, जो इस देश के नहीं है वो आपके भी नहीं है। और आप यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और यदि आप ये वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube पर जाइए और नितिन शुक्ला टाइप कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो कोई अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।